हेलो ऑल, वेलकम टू मॉड्यूलेशन सरकारी जॉब अपडेट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जो बल्क में वैकेंसीज आ रहा है, सरकारी जॉब अपडेट हम लोग लेके आते हैं। इससे पहले वाला भी वीडियो आप देखे होंगे, हम लोग SJVNL का अपडेट हम लोगों ने डाला था हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नया हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पहुँच पाए और आप उसका एडवांटेज उठा पाएँ। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा बल्क वैकेंसीज, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाला है। BSNL में पोस्ट है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, JTO के बारे में है, JTO ऑफिसर का पोस्ट है ये। और नंबर ऑफ पोस्ट आप देख रहे हैं 11,705 वैकेंसीज है, 11,705 वैकेंसी टू बी अनाउंस बाई द BSNL एंड द पोस्ट इज जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर JTO। डैट इज द गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट और काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, पे स्केल भी अच्छा होता है। तो नाउ इन डायट वीडियो वी बेसिकली डिस्कस एंड फोकस अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसमें कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, BTech वाले भर सकते हैं या डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे, विस्तार में डिस्कस करेंगे। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन जो है, जिस जो प्रिपरेशंस करते हैं अच्छे से उनके लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं आता है एक साथ बल्क में। रेलवे की वैकेंसीज आता है जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, उसका भी आने वाला है। वो वैकेंसी जो आता है तो उसमें वैकेंसीज बल्क रहता है, इसी मात्रा में रहता है, लेकिन वहाँ पर ब्रांचेज अलग अलग होते हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग, IT के लिए, कंप्यूटर के लिए होता है, CS के लिए। तो वहाँ पर एक ब्रांच के लिए 4,000-5,000 वैकेंसीज बचता है, उसमें मैकेनिकल सिविल का ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रिकल का उससे थोड़ा कम, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के लिए बहुत कम रहता है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 11,705 वैकेंसीज, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, IT के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे कभी मिस ना हो, इसका आप ध्यान रखें और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दें। जो बुक है, रेफरेंस बुक है, उसको प्रैक्टिस करें ताकि आप ये आपके हाथ से वैकेंसीज किसी तरह ना निकल पाए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, पोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारत संचार निगम लिमिटेड, और यहाँ पे ऑफिस के द्वारा सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, फॉरवर्डिंग द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द JTO 2023, मतलब इस साल वैकेंसीज आना है। जनवरी के एंड तक ये वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके रूल्स दिए गए, कितना पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी होगा, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा स्लाइड आप देखें, डेफिनेशन, ये सारे जो टर्म एंड कंडीशंस है, नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन, स्किल पे, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, सारे चीजें इसमें डिस्कस किया गया है। अगले पे देखते हैं, आप देखेंगे तो ऑल आर द टर्म एंड कंडीशंस विच आर रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नाउ द बेसिक थिंग विल बी हियर, यहाँ पे आप देखेंगे द पोस्ट विल बी हियर मेंशन क्लियरली, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर एंड JTO 2023 में ये वैकेंसीज आना है, कंप्लीट भी होना है। और यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर JTO, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी 11,705 वैकेंसी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, BSNL के साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। द पोस्ट विल बी द एग्जीक्यूटिव पोस्ट और पे स्केल आप कराएगा 16,400 से 40,500 के बीच। सेकेंड, ये कंडीशंस दिया गया, सिलेक्शंस पोस्ट होगा आपका, रिक्रूटमेंट बेसिस होगा, एज लिमिट दिया गया, द रिक्रूटमेंट एज लिमिट बिटवीन 20 टू अप, लोअर लिमिट जो होगा, लोअर एज क्राइटेरिया 20 ईयर्स होगा और अपर जो होगा 30 ईयर्स होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के जो एक रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा, OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, SC ST में 5 ईयर्स के रिलैक्सेशन होते हैं। तो यहाँ पर लिया गया अप टू 5 ईयर फॉर SC ST एंड अप टू 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट्स। इट मीन्स द वैकेंसी इज इन द बल्क, दिस अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी मिस इन एनी कंडीशंस, दोज स्टूडेंट विच आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड द BTech होल्डर विच आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेक्निकल जॉब। दिस वैकेंसी इज द अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स विच कांट मिस डैट वैकेंसीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, ये वैकेंसी किसी तरह से मिस ना हो पाए, वैकेंसी तो आना ही है, इससे बड़ा वैकेंसी ना आया है ना आने वाला है।
यहाँ पे दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, कंप्यूटर होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, ये सारे लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 2 ईयर्स फ्रॉम द डायरेक्ट 2 ईयर नंबर ऑफ पोस्ट होगा 50%, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस है, पे स्केल लिखा गया, ये सारे आप लोग देख सकते हैं। ऑल दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस विच आर रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यहाँ पे दिया गया द फिक्स एंड द रेशियो ऑफ द अपॉइंटमेंट शैल बी 1:1 के रेशियो में होगा, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस है। यहाँ पे जूनियर शैल बी द डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ 60% द वेटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन देयर रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और एंड 40% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्री अपॉइंटमेंट फेज 1 ट्रेनिंग, मतलब 60% आपका वेटेज रहेगा एग्जामिनेशन प्रोसेस का, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशंस मेंशन किया गया है और वैकेंसी ये फिक्स है कि वैकेंसी आना ही आना है, JTU के द्वारा, BSNL के द्वारा ये वैकेंसीज अनाउंस कर दिया गया। ऑल दीज आर द टर्म एंड कंडीशन, ये सारे टर्म एंड कंडीशन है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने मेंशन किया 11,705 वैकेंसीज आने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेलीकम्युनिकेशन से जो BTech किए होंगे, जो बैचलर डिग्री होंगे BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग, वो एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपसे मिस ना हो पाए, इस वैकेंसी के लिए आप अभी से लग जाए, क्योंकि टाइम कम मिलेगा, इस महीने के अंत में एंड ऑफ द जैन फॉर्म भर फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा, मिड फेब तक या फरवरी लास्ट तक आपका फॉर्म का फिलअप होगा और एक्सपेक्टेड डेट है कि मार्च अप्रैल में मई के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये वैकेंसी मिस ना हो, इलेक्ट्रिकल वाले खास करके, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खास करके, क्योंकि आप इस वैकेंसीज का इंतज़ार करते हैं, बहुत दिनों बाद ये वैकेंसीज आ रहा है और इतने बल्क में कभी ये वैकेंसीज अनाउंस नहीं किया गया है। तो आई होप ये आपसे वैकेंसी मिस नहीं होगा, किसी तरह से आप इस वैकेंसीज को नहीं जाने देंगे। जो रेफरेंस बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, उससे आप प्रैक्टिस कर लें, ES के क्वेश्चंस बैंक प्रैक्टिस कर लें, गेट के क्वेश्चन बैंक कंसर्न जो ब्रांच है उससे प्रैक्टिस कर लें आप, फिर आपके लिए बुक आता है RK राजपूत के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसको प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ज़रूर आप सिलेक्टेड होंगे। फिर जब फॉर्म फिलअप होने लगेगा तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें कितने परसेंटेज टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे, कितना परसेंट नॉन टेक्निकल होगा, वो क्लियर हो जाएगा, बाकी इसमें अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। यह है कि आपका वैकेंसी जाएगा, रिक्रूटमेंट है, एलिजिबिलिटी है और एज क्राइटेरिया 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल स्टूडेंट के लिए और OBC SC ST के लिए अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रिलैक्सेशन दिया गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं ताकि आप तक वैकेंसी अपडेट होते रहे और फिर आपको ये सारी जॉब का अपडेट आपको मिलते रहे। आप हमारे YouTube को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हम लोग और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस पर लाते रहेंगे आपके लिए, ये एडवांटेज आप इसका लेते रहें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक जगह एक ही चैनल से मिल पाए। फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग लेके, हमारे चैनल पे आप तब तक बने रहें और फिर अपने प्रिपरेशंस को अच्छे से जारी रखें। ओके, थैंक यू।